कि जब भगवान इतना पवित्र है उसके छूने से और लोगों के छूने से वो अपवित्र हो जाता है, तो हमारे द्वारा दिया गया पैसा हम थूक लगाकर भी उनको गिनते हैं, जेब में भी रखते हैं, कोई लोग पैंट की जेब में रखते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो पैसा भी अपवित्र होता है। लेकिन नमस्कार, एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हमारे चैनल के जो मेहमान हैं उनका नाम है शशि भूषण। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आभार आपका भी। सर, आप अक्सर कहते हैं कि मंदिरों में दान नहीं देना चाहिए, तो मेरा आपसे सवाल है कि मंदिरों में दान क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, मंदिर में दान क्यों नहीं देना चाहिए। देखिए, जो हमारे महापुरुष हैं यानी जिन्होंने हमें मान सम्मान की ज़िंदगी दी है, उन्होंने कहा है कि जिसने ईश्वर को बनाया वो बहुत ही चालाक आदमी था, चतुर था, और अपनी चतुराई के लिए उसने ईश्वर का या इन देवताओं का, जहाँ देवता रहते हैं या जिन्हें मंदिर कहते हैं, मंदिर में जो दान दिया जाता है वो उस मंदिर में रहने वाले भगवान को दिया जाता है। अब वो भगवान बहुत सारे इन्होंने बनाए, क्योंकि एक भगवान से इनका काम नहीं चला उस चतुर आदमी का, और उस चतुर आदमी ने बहुत सारे भगवान बनाए, यहाँ तक कि ईश्वर से लेके देवता, उसके बहुत सारे एक दायरे में सभी चीज़ें रखी और भगवान बनाए, और भगवान के रहने के लिए एक घर बनाया जिस घर को मंदिर कहते हैं, और उस मंदिर के लिए दान के लिए लोग कहते हैं कि मंदिर में दान दो। तो मंदिर में दान क्यों नहीं देना चाहिए? कि जिस व्यक्ति ने ईश्वर का निर्माण किया, जिस व्यक्ति ने उसके रहने के लिए उस मंदिर का निर्माण किया, उसने बड़ी चालाकी से अपने लिए ऐसो आराम से बैठकर खाने के लिए ये उत्पत्ति की और लोगों से कहा कि आप मंदिर में दान दीजिए, आपका कल्याण होगा। अगर उस मंदिर में दान देने से कल्याण होता तो वो व्यक्ति दूसरे को ना कहकर खुद उस भगवान से, उन देवताओं से, उस मंदिर से खुद सारा पैसा ले लेता और दूसरे को नहीं देने देता। लेकिन जो मंदिर के अंदर रहने वाले, चाहे वो मनुष्य प्राणी हैं, जिन्हें चाहे पुजारी कहें या कल्पित भगवान कहें, देवता कहें, जो मूर्ति के रूप में हैं, अगर उनमें जरा भी इतनी बात होती तो वो दूसरे से दान ना लेते, खुद अपना पेट भर लेते। लेकिन उसने उस कमेरे वर्ग को हमेशा कमेरा बनाने के लिए, उसके माल को खाने के लिए उस माल को खाने के लिए इसकी एक मंत्रगणंत कहानी गढ़ी और कहा कि आप मंदिर में दान दीजिए। तो वो आदमी उस कमेरा वर्ग का दुश्मन है जो उसकी नेक कमाई को घर बैठकर खाना चाहता है, मंदिर में बैठकर खाना चाहता है। अब मतलब ये कि क्यों नहीं देना चाहिए, इसका मतलब अगर हम उस दुश्मन को चाहे एक पैसा दे रहे हैं तो मजबूत कौन हो रहा है? दुश्मन हो रहा है। वो दुश्मन जितना मजबूत होगा वो उतना ही फिर आपको दुश्मनी निकालेगा, आपको कमज़ोर बनाएगा, आपको गुलाम बनाएगा, गुलाम बना बना कर यहाँ की आपको कर्जदार बना देगा, कर्जदार बना देगा, और आप पूरी ज़िंदगी कमाते रहेंगे और उसका देते रहेंगे और कभी चुकता नहीं कर पाएंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उसको चुकता नहीं कर पाएंगी। और वो बैठा हुआ वहाँ पाखंडी आदमी वो आपके उस पैसे को खाता रहेगा और अपनी तौंद बढ़ाता रहेगा। इसलिए मंदिर में कभी भी दान नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात, इन लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि जिस भगवान पर हम नोट चढ़ाते हैं वो नोट कितनी गलत जगह से आते हैं। एक लॉजिक में ये भी बता दूँ, ये भी कह दूँ कि जब भगवान इतना पवित्र है उसके छूने से और लोगों के छूने से वो अपवित्र हो जाता है, तो हमारे द्वारा दिया गया पैसा हम थूक लगाकर भी उनको गिनते हैं, जेब में भी रखते हैं, कोई लोग पैंट की जेब में रखते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो पैसा भी अपवित्र होता है। लेकिन वो अपवित्र पैसा वहाँ चल जाता है, लेकिन रोज़ नहाने वाला, साबुन से नहाने वाला आदमी, डिटॉल से हाथ धुलने वाला आदमी, स्पिरिट से हाथ धुलने वाला आदमी भी वहाँ अपवित्र हो जाता है, लेकिन अपवित्र पैसा भी वहाँ पवित्र होता है। इसलिए उनकी निगाह उन पैसों पर होती है, ना कि इंसान पर। इसलिए मंदिर में कभी भी दान देना नहीं चाहिए, क्योंकि दान देने से आपका दुश्मन मजबूत होता है, और आपका दुश्मन मजबूत होगा तो वो आपको कभी भी पराजित कर सकता है, आपको कभी भी गुलाम बना सकता है, और आपके आने वाली पीढ़ियों को भी गुलाम बना कर रखेगा। इसलिए कभी भी मंदिर में कोई दान, कोई पैसा, कोई भी चढ़ावा ना दें। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमारे चैनल से बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत आभार आपका।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।